साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ताजा मामला ग्वालियर से है, जहां रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता को पत्नी समेत 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर रखा। ठगों ने सीबीआई अफसर बनकर गुप्ता को उनका क्रेडिट कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़े नरेश गोयल के पास से बरामद होने की बात कही। साथ ही डराया कि इसमें 17 एफआईआर राकेश के नाम पर दर्ज होनी है, जिसको लेकर उन्हें और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। ठगों ने राकेश गुप्ता को बैंक पहुंचकर आरटीजीएस से 1,11,930 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। राकेश कुमार बैंक गए और आरटीजीएस फॉर्म भी भर लिया। तभी ठग ने कहा कि किसी से कोई बात नहीं करना, नहीं तो जान का खतरा भी हो सकता है। इस पर राकेश को समझ आया कि पुलिस जान की धमकी नहीं देती। इसके बाद वो सीधे एसपी ऑफिस स्थित साइबर सेल पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। रिटायर्ड नारकोटिक्स को लगभग 24 घंटे से अधिक समय बाद साइबर सेल ने मुक्त कराया। फिलहाल ग्वालियर साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ हुआ कि ये जो है आरबीआई के नाम से जो है किसी ने फोन किया कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ और आपके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड बना हुआ है जिसमें जो है 1,11,930 रुपए विड्रॉ कर दिए गए हैं। उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर भी उनने दिया था, लेकिन जो है उस क्रेडिट कार्ड पे आज बैंक में पता लगाया कोई विड्रॉ नहीं हुआ, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड बना। और उनने उसके बाद मेरे को डिजिटल अरेस्ट कर लिया कि आप कैमरे के सामने बैठे रहें, कहीं हिलेंगे नहीं। और फिर कहा अपनी श्रीमती जी को भी बैठाइए, तो ये भी दोनों जने हम बैठे रहे, सुबह से शाम तक उल्टा सीधा पूछते रहे कि आपके उसमें कितना अमाउंट है, कौन से बैंक में खाता है, क्या है। अब उसमें मुंबई पुलिस का वो था तो सब बताना पड़ा, सब बता दिया। उसके बाद कहते कि IDFC बैंक से जो है आप अपना RTGS बनवा के लाओ। मैं वहाँ गया, वो बनवा के लाए तो कहते ये गलत है, दोबारा जाओ। दोबारा गया तो फिर उन्होंने कही कि चेकबुक में वो पूरा ढंग से भर नहीं पाया। वो वहीं मेरे पे फ़ोन आ गया कि आपको जान प्यारी नहीं है, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से जो है सीधा जो है साइबर सेल गया। साइबर सेल में जो है उनने वो किया तो उन्हें तमाम आपस में वो मैं CBI ऑफिसर बोल रहा हूँ, उन्हें कही ऐसे। कल 11 बजे की दिनांक में एक व्यक्ति हमारे पास साइबर सेल में आए जो बहुत डरे हुए थे। उनका नाम राकेश कुमार गुप्ता जी था, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में रिटायर अधिकारी रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपना चालू फ़ोन, वीडियो कॉल पे चालू फ़ोन ही लेके आए थे हमारे पास, जिसमें उनको उन्होंने बताया कि उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है कल 10 तारीख के सुबह 10 बजे से। तब हमारी टीम ने हम लोगों ने बात की उनसे और वीडियो कॉल पे बात किया गया कि आप किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनको अरेस्ट करके रखा है, आप अपना ID कार्ड वगैरह बताइए और अपना चेहरा दिखाइए। तब वो सामने वाला जो भी CBI अधिकारी अपने आप को बता रहा था, उन्होंने कुछ तो हमें भी धमकी दी कि आप CBI अधिकारी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तब हम लोगों ने बताया कि आप अपना चेहरा दिखाइए, ID कार्ड दिखाइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। तब उसने काट दिया फ़ोन इस तरीके से। तब रिटायर्ड अधिकारी से हम लोग को पूरी जानकारी उन्होंने बताया कि कल 10 बजे के दिनांक उनके पास फ़ोन आया, उनको बताया गया कि CBI अधिकारी बात कर रहे हैं आपके खिलाफ़। यहाँ पे एक नरेश गोयल करके एक व्यक्ति हैं जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने जिन्हें पकड़ा है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा है, जिनके 17 FIR दर्ज है और उनके पास से 200 क्रेडिट कार्ड मिले हुए हैं, जिनमें से एक क्रेडिट कार्ड आपका है और उस क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 समथिंग अमाउंट निकाला गया है जो आपने निकाला है। तब संबंधित व्यक्ति ने बताया कि हमारे द्वारा, मैं कभी मुंबई भी नहीं गया और मेरे पास से मैंने कभी निकाला भी नहीं है, ना मैंने क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवाया।